हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं ड्राई खिचड़ी और इसके साथ में लबड़ा सब्जी यानी मिक्स सब्जी बनाऊंगी। इसके लिए हम एक गिलास दाल लेंगे और एक गिलास ही चावल लेना है। अगर हम आधे गिलास चावल लेंगे तो आधे गिलास ही दाल लेना है। ये चार लोगों के लिए है। आप दो गिलास इस तरह से बनाएं, ये काफ़ी यमी बनता है, इस तरीके से ही ट्राई करें। अब हम सूखी कढ़ाई में इसे सूखी भूंज लेंगे। इसे जब तक रोस्ट करना जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और ये थोड़ी सी रेड रेड ना हो जाए। अब हम इसे अच्छे से पानी में भिंगो देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम इसी कढ़ाई में चावल लेंगे, ये एक गिलास चावल है। अब इस चावल को भी हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे भी भूंजें, इसे ज़्यादा देर नहीं भूंजना है। दाल को थोड़ी देर भूंजना है जब तक वो रेड ना हो जाए। अब इसे भी हम अच्छे से पानी में भिंगो देंगे और दो तीन पानी से धो के इसे साइड में रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम सूखी कढ़ाई में हम एक दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग और 5 इलायची लेंगे। इतने ही क्वांटिटी में हमें लेना है 4 आदमी के लिए। अब हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इसे रोस्ट जब तक इसमें से थोड़ी सी खुशबू ना आने लग जाए मसाले में। अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, मैंने सिलबट्टे पे पीसा है। अब ये मसाले को हम साइड रख देंगे। अब हम ये आधी कटोरी घी लेंगे और किशमिश थोड़ी सी, 5-6 हरी मिर्ची, थोड़ा सा काजू, 4-5 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्ची और अदरक को ग्रेट कर लेंगे, या आधी आधी अदरक है। अब हम कुकर चढ़ाएंगे, इसमें थोड़ी सी रिफाइन हम 2 चम्मच डालेंगे ताकि इससे हमारी घी जले ना। अब हम इसमें 2 चम्मच भर के घी डाल देंगे। इसमें घी की क्वांटिटी जितनी अच्छी रहेगी टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। इसमें घी ज़्यादा लगती है और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। एक बार इस तरीके से बना के आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम 4 तेज पत्ता देंगे और 5 फ़ोरन डालेंगे इसमें। मेथी, काला जीरा, सौंफ, अजवाइन, थोड़ा सा मंगरेला। अब हम इसमें सूखी हरी मिर्ची डालेंगे 4-5, जिस हिसाब से आपको तीखी खानी उसी हिसाब से। 2 सूखी लाल मिर्ची डालेंगे इसमें। ये माता को भोग लगती है ये खिचड़ी, ये काफ़ी सूखी और एकदम ड्राई बनती है। अब इसमें हम काजू और किशमिश को डाल देंगे। इसे भी हम 2 मिनट के लिए इसी तरीके से भूंजेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी अदरक डालेंगे और अब हम सबको थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। फ्लेम को एकदम कम रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम में हम सारे मसाले को अच्छे से भूंज लेंगे हल्की सी खुशबू आने तक। अब इसमें हम मूंग की दाल जो हमने भिंगो के रखा था उसे डाल देंगे। इसका पानी अच्छे से निकाल के तब इसे डालना है। अब इसे हम अच्छे से भूंजेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसमें हमने जो पीसा हुआ मसाला था, दालचीनी, लौंग और इलायची, ये डाल देंगे। इसे डाल के भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस प्रोसेस को हमें 10 मिनट के लिए भूंजना है एकदम स्लो फ्लेम में, तब इस खिचड़ी की काफ़ी यमी लगती है ये खाने में। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब आधी चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आधी चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं देना है। अब इसमें हम चावल को डाल लेंगे। चावल का भी पानी को, सारा पानी निकाल के तब डालना है चावल को भी, और अच्छे से इसे हम भूंज लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसमें हम आधी चम्मच चीनी डाल देंगे और इसे भी भूंजे 10 मिनट के लिए। फ्लेम को एकदम कम रखना है। अब हम इसमें जितने चावल लिए थे उतने ही पानी डालेंगे, जैसे 2 ग्लास तो 2 ग्लास ही पानी डालना है इसमें, एक जरा सा भी ज़्यादा नहीं देना पानी, नहीं तो ये गीली हो जाएगी खिचड़ी। और ये खिचड़ी जब बन के रेडी होती है, अब हम इसमें 2 सीटी लगवा लेंगे और सीटी को हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे सब्जी बनाने के लिए। ये मिक्स सब्जी है, इसे हम लबड़ा सब्जी भी बोलते हैं बंगाल में। अब इसमें हम सारी सब्जी मिक्स करके लेंगे, फूल गोभी,
गाजर, मटर, मटर हो तो मटर भी डालें, मेरे पास मटर नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया है। बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स, सारी सब्जी को हम कटिंग कर लेंगे अच्छे से और धो लेंगे इसे। अब कढ़ाई में हम तेल गरम होने के लिए रखेंगे। उधर हमारे तेल गरम हो रहा है, ये मसाला हमारा रेडी। अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हम मूंगफली लेंगे और चीनी लेंगे आधी चम्मच। अब कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता, लेकिन ये सब्जी खाने में काफ़ी यम्मी बनती है। इस खिचड़ी के साथ इसका कॉम्बिनेशन है और इसके साथ इसकी चटनी भी बनती है जिसे आम सत्तू बोलते हैं। अब हम सूखी 5 फ़ोरन और सूखी लाल मिर्ची का तड़का देंगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे अच्छे से कड़कने के लिए देंगे। ये हमारा अच्छे से कड़क गया, अब हम इसमें सारी सब्जी को डालेंगे और डाल के इसे अच्छे से हम भूंजेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसमें हम हल्दी आधी चम्मच और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और डाल के इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये खिचड़ी के साथ काफ़ी यमी लगती है ये सब्जी। अब इसमें हम अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट डालेंगे, लहसुन नहीं अदरक, हरी मिर्ची और जीरा का पेस्ट को डालेंगे। डाल के इसे अच्छे से भूंजेंगे हम, जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए तब तक इसे भूंजते रहेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर इसे हम ढक के पकने के लिए देंगे। ये सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें मूंगफली को डाल देंगे और चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सब्जी हमारी बनके रेडी है और ये भगवान का भोग रेडी है। आप भगवान को भोग लगाएं और ये खाने में काफ़ी यम्मी है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक बार ज़रूर बना के इस तरीके से आप ट्राई करें। ये काफ़ी यम्मी लगती है और ये खिचड़ी काफ़ी यम्मी है।